आइए हम लोग फिर एक डिफरेंशिएशन का एग्जांपल कर लेते हैं। क्या सवाल ले लेते हैं, तो y इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। क्या ले लिया, y इक्वल टू साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। इसका क्या निकाला आपको, डिफरेंशिएट निकाला। तो वेरिएबल क्या दिख रहे हैं, एक्स है, तो क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब क्या होता है, डी बटे एक्स। ये आपका इस साइड वाई है, यहाँ भी वाई लगाते हैं, इधर भी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। तो ये आपका क्या है, यहाँ साइन ऑफ रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है। ये आपका साइन का फेस आ गया, मैं एकदम आप फार्मूला याद रखा कीजिए, साइन डी साइन एक्स बटे डी एक्स। क्या यही पकड़ते तो है, यहाँ एक्स है यहाँ भी एक्स हो, तब क्या होता है, इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्या कॉस एक्स। उसी तरह यहाँ भी साइन है, तो साइन का मतलब क्या है, रूट है, ये भी आपका यहाँ रूट आना चाहिए, तब हम क्या है, तब ये फार्मूला है, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स, तब इसका कॉस होता है। उसी तरह यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, चैन रूल बैठा सकते हैं, डी साइन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। अब यही टर्म क्या आ जाएगा आपका, सेम साइन के बाद जो भी, जैसे साइन के बाद एक्स है तो एक्स लेते, साइन के बाद ये टर्म है, यही टर्म आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से यहाँ आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कितना, वन आ जाएगा। फिर यही मल्टीप्लाई आएगा, फिर यही टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर, डी रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन। अब बटे क्या आ जाएगा, डी रूट का, जिसे हम लोग पता है क्या, डी रूट एक्स का क्या लिखते हैं, डी रूट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, वन रूट टू रूट एक्स, ये होता है। अब बताइए ये टू रूट एक्स है, ये आपका क्या है, एक्स है। अब बताइए ये क्या है, रूट के अंदर एक्स है, यहाँ एक्स लेते हैं, तो रूट के अंदर क्या है, इतना है, यही चीज यहाँ आना चाहिए, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन आ जाएगा। फिर ये टर्म कहाँ जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन। अब बटे क्या, डी एक्स, ये आपका यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हम लोग तोड़ देंगे, ये सिर्फ हम सीख चुके हैं। तो क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तब जब साइन के बाद रूट है, यहाँ भी रूट, साइन के बाद एक्स है, एक्स क्या लिखते हैं, कॉस, उस तरह साइन का क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस के बाद साइन के जैसे तुरंत कॉस, साइन के बाद जो चीज आता है उसको सीधे उतार देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन। ये लिख दिया, फिर एंड रूट, रूट का रूट है एक्स बटे डी एक्स, है ना, रूट है एक्स बटे डी एक्स, क्या होता है, वन बटे टू रूट एक्स, वन बटे टू रूट एक्स, एक्स का क्या है यहाँ आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन। ये आपका ये फार्मूला हम बैठा दिए, फिर मल्टीपल, ये क्या, ये तीन टर्म है, तीन टर्म तोड़ते हैं, तो क्या देगा आपका, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या, पावर वाला नियम है, याद कीजिए पावर वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते क्या होता है, पावर एक्स टू द पावर एन बटे डी एक्स, क्या होता है, एन पावर आ गया था और एक पावर क्या होता है, इसमें घट जाता है, ये होता है क्या, एक्स टू द पावर एन बटे एक्स, क्या होता है, एन आगे आ जाता है। उसी तरह यहाँ एक्स टू द पावर एन, एन के लिए दो है तो दो क्या आ जाएगा, आगे आएगा और एक पावर क्या होगा, एक्स, एन आगे आया और एक्स, एक्स लिख दिया, इसमें जो पावर है उसमें क्या करते हैं, एक घटा देते, पावर यहाँ दो है तो एक घटा है, कितना बचेगा, वन। फिर प्लस, अब क्या है, ए एक्स है, ए कॉन्स्टेंट है तो एम जी फ्री आ जाएगा, फिर डी एक्स, डी एक्स का आपका क्या आ जाएगा, डी एक्स का क्या होता है, वन आ जाता है, क्योंकि ए को आगे करेंगे, ए आगे आ जाएगा तो बचेगा क्या, डी एक्स बटे डी एक्स, जो कि डी एक्स, डी एक्स क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक गुना कितना, वन। अब कॉन्स्टेंट का क्या होता है, यहाँ अगर दिखाना है कॉन्स्टेंट का क्या होता है, जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, जीरो होता है। बस इसी तरह आपको अगर आंसर लिखना है, आंसर क्या आ जाएगा, अगर इसी को आंसर लिखना चाहते हैं, ये टू ए एक्स, टू एक्स प्लस ए, टू एक्स प्लस ए को आप आगे लिख दिए, क्योंकि अलजेब्रिक टर्म में टू एक्स प्लस ए को आगे लिख दीजिए, एंड टू क्या, ये कॉस ऑफ क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या है, वन। अब बटे क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म यहाँ लिख बचा हुआ क्या, टू रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्या, वन। बस यही आपका आंसर है। ये हम लोग इस तरह से सवाल देख चुके हैं, ये आपका सब बेसिक सवाल है, जब भी आएगा आपका निश्चित किसी टर्म में आपका सवाल दिया जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल लेके देखते हैं।